देखिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल की खास करके तैयारी कर रहे हैं विशेष रूप से, लेकिन साथ में वो सीडीएस का एग्ज़ाम भी दे रहे होंगे, डिफेंस में वाई ग्रुप है, एयरफोर्स है, नेवी है, एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो उसमें देखेंगे हर एग्ज़ाम में इंग्लिश पूछी जाती है इस एग्ज़ाम में, तो इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक आता है। तो फिल इन द ब्लैंक में कुछ ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं जो कन्फ्यूज़ करता है, जैसे मे हैव टू और माइट हैव टू। अब ग्राउंड लेवल पर लोग डिफरेंस नहीं जानते हैं, लेकिन जानना चाहिए। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये बहुत पूछे जाते हैं, मैं अंतर बता रहा हूँ। मे हैव टू का मतलब होता है करना पड़ सकता है, माइट हैव टू जब आए तो ये समझ लीजिएगा कि शायद करना पड़ सकता है, माइट हैव टू जब भी आएगा तो इसमें संभावना कम है। उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ, वी मे हैव टू प्ले दिस मैच, मुझे ये खेल खेलना पड़ सकता है हमें, जबकि वी माइट हैव टू प्ले दिस मैच मतलब हमें शायद यह खेल खेलना पड़ सकता है, ये अंतर है।